What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 12 दिसंबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और आज शाम को सीपीआई और आईआईपी के आंकड़े आएंगे, यानी इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन होते हुए काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। कल भी हमने देखा निफ्टी लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है, ओपन होने के बाद एक साइडवेज पैटर्न में चला जाता है और लास्ट हाफ एन आवर कल जो बचा था वहां पर एक जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी इंडेक्स के क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का ये पिक्चर है, यानी 11 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,884 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,844। तो यहाँ पर 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हैं। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ओपन हुआ तो हमारे ब्रेकआउट लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,899 ये यहाँ पर अचीव हुआ और इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। काफी देर तक इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था और इसके बाद टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो मूव होने के बाद ब्रेकडाउन लेवल हमारा ब्रेक हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 11,830 ये यहाँ पर अचीव किया था, और एग्जैक्ट यहाँ से लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ से एक सडन अपसाइड मूव देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर सेकेंड टारगेट भी अचीव हुआ अपसाइड का, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में कोई इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाता। तो कल के इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक 37 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी हरे निशान में बंद हुए थे। एशियाई मार्केट जब आज ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 48 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। चाइना मार्केट, हांगकांग मार्केट और जापानीज इंडेक्स भी हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 30 पॉइंट्स का अपसाइड मूव अभी इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट को देखते हैं। यह है निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट। अभी ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस है जो कि हम यहाँ पर मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट करते हैं, इसके बीच में 20 और 50 के बीच में ये ट्रैप हो चुका है। हमने यहाँ पर पैटर्न देखा था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। अभी इस पैटर्न के नेक लाइन का इसने ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन ये मूविंग एवरेज के बीच में ट्रैप हो चुका है। और जब भी ये डाउन ट्रेंड में आता है तो लोअर हाइज लोअर लो क्रिएट करता है, और जब भी अप ट्रेंड में आता है तो हायर हाइज हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो अभी ये फिर से यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लो क्रिएट कर सकता है। तो ऊपर 20 EM है, यानी ये जो पिंक लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जो कि अराउंड 11,946 के पास है, और नीचे फर्स्ट सपोर्ट होगा ये 50 EM का ब्लू लाइन जो कि 11,780 के पास है। और हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, उसके मुताबिक 23.6 का ये जो 11,800 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर, यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे 50 EM में और ये 23.6 का जो कि 11,800 के आसपास है। तो यहाँ पर सपोर्ट जोन बना हुआ है और इसको ऊपर जाते वक्त ये 20 EM में फर्स्ट हर्डल का काम कर सकता है जो कि 11,946 के पास है। तो इसके ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही यहाँ से अपसाइड अभी रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा प्रोबेबिलिटी दिखाई देगा। लेकिन जब तक 20 EM के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक ये जो यहाँ से अभी ब्रेकडाउन मिला है नेकलाइन का, तो ये कंटिन्यू अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो चलते 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो कल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है,
और उसके बाद ये अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये अगली डबल राइजिंग बॉटम्स यहाँ पर बने हुए हैं, इसे अगली डबल बॉटम भी कहा जाता है। तो और ये 20 EMA यानी ये जो 20 EMA का मूविंग एवरेज है इसके जस्ट ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ से जो लास्ट हाफ एन आवर में ये हैमर कैंडलस्टिक के बाद ये स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक बना था, उसका अगर हाई ये ब्रेक करता है यानी कल के डे का हाई अगर ब्रेक करता है तो ये हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये जो स्विंग लो भी बना है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस हाई के ऊपर, इस लेवल के ऊपर 11,922 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल 11,944, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,959, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर ये देखिए डबल बॉटम के दो स्विंग लोज यहाँ पर बने हैं, वो भी एग्जैक्ट पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो है यहाँ पर बने हैं। तो ये S1 का लेवल अगर ब्रेक होता है 11,853 तो ये हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 11,836, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद सेकेंड टारगेट हमारा होगा अराउंड 11,822, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।